देखो क्या हो गया। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है यार, जनता आई नहीं है, गायब है, सो गए हैं क्या अभी तक। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस, बॉस क्या बात है, मतलब 9:05 होने को है, अभी काफी जनता गायब है। आराम से चलेंगे, क्या ही जल्दी है आके, है ना। और गेनी की तो पढ़ना है कुछ दिन। अच्छा ठीक है, सही बात है, खाना पीना खा के चलते हैं आराम से। क्या जल्दी है, कौन सा क्लास भागे जा रहा है, कौन सा मास्टर जी भागे जा रहे हैं। सही है, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल शाश्वत, छपरा सेंटर पे ही हूँ यार। आ गया छपरा सेंटर पे, ये देख के नहीं पता चल रहा, ये बैकग्राउंड देख के देखो, ये कुछ जान सही रहा तो नहीं पता चलेगा ना। तो कोई तो इधर इधर से बता रहा, तो सोचो क्या कुछ ऐसे जाना पहचाना दिखे, इधर से कुछ जाना पहचान दिख रहा है, देखो तो इधर से ये सभी ये गदा सही है, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, जाओ नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने सेंटर को नहीं पहचानते हो, क्या पहचानते हो। हाँ
चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मंडे को छपरा में था। मंडे को था क्या? नहीं मंडे को नहीं था, मंडे को नहीं था, कल आया। ऑफलाइन क्लास रेगुलर तो नहीं होगी, बट आपके डाउट सेशन अभी होंगे। आपको मैसेज मिला है? नहीं मिला मुझे नहीं पता। कल का डाउट सेशन में आपको मैसेज मिला क्या? आपको मैं देखा नहीं यार ग्रुप। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार सबको। मैथ्स का अच्छा आए थे क्या? ओके ओके। मैथ्स एंड फिजिक्स का कल के लिए, कल मैथ्स फिजिक्स का डीएसएस है? अरे कल होगा ऐसा बोल रहा हूँ, कल होगा ये पूछ रहा हूँ। कल किसका डीएसएस होगा? कोई है ऐसा क्या मिला हुआ है स्केड्यूल की कल किसी का डीएसएस है? ठीक है ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है। चलो बहुत लेट हो चुका अपना, सो क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो लास्ट क्लास तक नोमेनक्लेचर बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे नोमेनक्लेचर की, ठीक है। और यहाँ तक हो गया था ये, मतलब गंदे गंदे से कुछ कुछ नेम जो थे ये सब दिखा देख लिए थे अपन। कोई ऐसा जिसको नोमेनक्लेचर में यहाँ तक समस्या है तो फटाफट अपने डाउट पूछ लो, फिर अपन आगे आएंगे। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको नोमेनक्लेचर में यहाँ तक में समस्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स यहाँ तक में किसी को समस्या है तो फटाफट पूछ लो, जादू हो गया कोई चीज। आज अल्कोहल थोड़ा बहुत करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं है, चलो ये देख के अच्छा लगता है मेरे को कि यहाँ तक तो नहीं है, आएगा पता नहीं क्या होने वाला, ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा कुछ लोग जो सिलेबस को लेकर चिंता कर रहे हो ना, चिंता मत करो ठीक है। ओके तो स्पीड स्पीड के लिए चिंता मत करो, मतलब मेरे को किसी किसी ने पूछा कि सिलेबस टाइम नहीं है, मत परेशान ठीक है। चलो ओके सो अब अपन आगे आते हैं। दैट इज नहीं लेकिन का बच्चा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। ये हो गया था, किसने पूछा था शायद, पता नहीं किसने तो पूछा था मेरे से। हाँ जी ओके, लास्ट पार्ट दैट इज अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, अल्कोहल के कुछ कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो भैया देखो अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना, तरीका अपने पास वही रहने वाला है। यहाँ ओएच लगा दिया, बोला भैया इसका नाम बताओ क्या होगा, कैसे नाम इसका लिखें। तो अपने को पता है भैया पेरेंट चेन बनाओ, सिंपल है। अपने पास ओएच क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस वाले कार्बन को सबसे अधिक प्रायोरिटी देना है, तो इसको प्रायोरिटी देते हुए पेरेंट चेन बनाओ और नंबरिंग कर लो। तो अपने को दिख रहा है कि भैया ये चार कार्बन है, पेरेंट चेन बन गया, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो भैया ब्यूट। ओके चार कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ठीक है। और एक नंबर पे ओएच लगा हुआ है तो ब्यूट -1-ol, क्योंकि अपने को पता है कि अल्कोहल के सफिक्स क्या लगाते हैं, तो सफिक्स लगाते हैं अपन ol। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बता दो कि ये जादू वादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी एक और दो और एक दो और देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। अब तो कोई समस्या होनी ही चाहिए, आइडियली इतना सारा नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। इसका मुझे फटाफट नाम बता दो, जो अभी लिखा है इसका नाम मुझे फटाफट बता दो। ये ए से ये ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया। बी वाले का मुझे फटाफट नाम बता दो जल्दी से, बी वाले का जल्दी से नाम बता दो। दांत तोड़ दूंगा अनिकेत तेरे, हैं काउंट कर कितने कार्बन है। ब्यूट बोलता है नलायक।
गुड लेखिका, गुड श्रेया, योगेश, गुड शिवानी, आदित्य। अच्छा, भावनाओं को समझो मैं। वाह बेटा, मेरा ही मेरे ऊपर। संजना ठीक है, रोशन ठीक है, प्रीति ठीक है, अंजलि ठीक, प्रीति बस नंबरिंग कर लो। अभिषेक ठीक है, मिली ठीक है, शुभम ठीक। शुभम बाबू गड़बड़ किए हो नंबरिंग। राशि ठीक है, सूरज ठीक है, मतलब बहुतों का भावना मुझे सच में समझना पड़ता है। प्रत्युष ठीक है, पवनेश ठीक है, ठीक है। चलो भैया, तो अपने को दिख रहा है कि ये हो गया अपने पास पेरेंट चेन, ठीक है। इसमें नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी इधर से करो या इधर से करो, बात बराबर आने वाली है, ठीक है। तो फटाफट नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो भैया दिख रहा है 3 नंबर पे ओएच लगा हुआ है, तो भैया इसका फटाफट नाम लिख लो। तो 3 नंबर पे ओएच का मतलब हुआ अपने पास पहले तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स 3, सॉरी हेक्स एंड 3, यहाँ भी एन लगा लेना यार, वो एन में लगाना बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है। ब्यूटेन 1 ओल, इसको ध्यान रखना, एन लगाना जरूरी है, लिखते वक्त तो ध्यान रहता है, ऐसे कुछ कुछ गड़बड़ा जाता है। चलो ठीक है, नहीं बस नेक्स्ट एक और नोमेनक्लेचर लिख लो। बस पॉइंट ये है यार कि अपने को समझ में आना चाहिए नोमेनक्लेचर करना कैसे, और कुछ नहीं है, ठीक है। अपने पढ़ नहीं रहे नोमेनक्लेचर, बस उसको थोड़ा बहुत, ताकि आगे चल के समस्या ना हो जाए। अच्छा 5, क्या कर रहा हूँ यार मैं भी, लगता है नींद में हो। सही में सही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया 5 ही है। ये हो गया, कुछ 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 यहाँ क्या किया जाए, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं। चलो इसका नाम फटाफट बताओ, इसका नाम बताओ, इसके साथ इसका खत्म करते हैं खेल, ठीक है। इसका फटाफट नाम बता दो, खेल खत्म करते हैं। जानी ठीक है, आदित्य ठीक है, अनिकेत ठीक है, शालू ठीक है। मतलब मैं एन लगाना छोड़ दिया तो तुम भी एन लगाना छोड़ दोगे, सबने बिना एन के बोला है। मास्टर जी नहीं बोले तो हम क्यों बोले, अच्छा ठीक है। नहीं, संजना ठीक है, प्रीति ठीक है, बच्चा लेखिका ठीक है, प्रीति ठीक है, राशि राशि इसको किसके बारे में कौन बताएगा, बच्चा एक मिथाइल भी तो है ना, उसको भी देख लो। रजिया ठीक है, श्रेया ठीक है, आयुषी चेक करो बेटा, आयुषी गड़बड़ लगता है आपका नाम, मिली गड़बड़ है नंबरिंग। चलो भैया ध्यान दो, पेरेंट चेन कौन सा बन गया आपने को, तो अगर यहाँ गौर फरमाइएगा तो पेरेंट चेन अपने को दिख रहा है कि ये है। क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें। देखो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ये पेरेंट चेन वाला कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसको मिनिमम नंबर देना है, प्रायोरिटी सबसे हाई देनी है, मतलब नंबर मिनिमम देना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ये वो वाला अपने पढ़ाई वाला नंबर नहीं है कि अधिकतम नंबर, अधिक नंबर आया तो मतलब ज्यादा प्रायोरिटी नहीं भैया, रैंकिंग है, रैंकिंग वाली नंबरिंग देनी होती है अपने को, ठीक है। तो इसका रैंकिंग जो है वो सबसे सबसे मतलब ऊपर देना, ऊपर देने का मतलब क्या है, सबसे नंबर वाइज सबसे कम देना, ठीक है। तो हम क्या करें, इधर से चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इधर से चलते तो 4 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन अपने को ओएच कहाँ चाहिए, मिनिमम पे चाहिए, तो मिनिमम पे 3 पे मिल रहा है, मतलब अपना खेल खत्म हो गया। अब चलो भैया नाम लिखना शुरू करो, तो थोड़ा सा नींद से भूल जाता हूँ मैं, वरना फिर से गड़बड़ होगा। 6 है, गुड। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिख लिए, हेक्स एंड ठीक है। कितने नंबर पे ओल लगा हुआ है, 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 ओल ठीक है। 4 नंबर पे क्या लगा, मिथाइल लगा है, तो भैया लगा लो। 4 नंबर पे चलेगा, बोलो भैया कोई समस्या है इसमें, कोई ऐसा जिसको लगता है कि नहीं ये दूसरे प्लैनेट का क्वेश्चन था, इस प्लैनेट वाला नहीं था, ये जुपिटर का क्वेश्चन आ गया, ये हम जुपिटर पे थोड़ी रहते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहता है नहीं है, बड़े आगे कोई समस्या। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन,
बहुत लोग तो इसको देख के सोचते हैं आ गए परेशान करने का, घर हम खाए हुए हैं तो ठीक, अभी तक में क्या ही कष्ट चल रहा था जो ये सब बनाने का गोला गोला बना के देना शुरू कर देते हैं। चलो भैया इसका नाम बताओ फटाफट, इसका नाम क्या होगा? शुरू हो जाओ। इसका नाम और एक और भी है उसका नाम, ठीक है, उसके साथ इसका अल्कोहल को समाप्त कर देंगे। वाह, बेंजोइक एसिड, वेरी गुड। दांत तोड़ दूंगा मैं बेंजोइक एसिड, एसिड है। मिथॉल क्या होता है अनिकेत, जरा बताना मेरे को। मिथॉल वर्ड सोचना, मिथॉल मेंथॉल बोल लो चलेगा। ओके लेखिका मिताली, ठीक है। रितु साइक्लो हटा दो, ठीक है, नहीं नहीं गड़बड़ है, साइकिल हटाने के बाद भी गड़बड़ है, बहुत बुखार है, मैं आप देख के नहीं बोल रहा, मैं बस देख रहा हूँ। अनिकेत देखा नहीं है क्या भेजा था? चलो ठीक है, इसको बोलते, देखो मैंने 10,000 रुपया बोला है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सेट है ना, इस पूरे सेट के लिए वर्ड यूज करते हैं बेंजाइल। तो इसका प्यारा सा छोटा सा मोटा सा नाम हो जाता है, उसको सीधे ध्यान रखो, दैट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। और ये भविष्य में बहुत बार आएगा, ठीक है। अब सही है शुभांगी, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक एल्कोहल। तो इस चीज को खोपरे में डाल लो, दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल। ये क्या होगा? तो क्या है ये, तो दिमाग बंद करके, असली नाम ये नकली नाम है क्या? असली नाम बोलता है, ठीक है। इसका नाम हो गया फेनॉल, ठीक है, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। बेंजानोल भी बोलते हैं, ये भी सही है। एक और भी चीज है जो इसको बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट एक और भी चीज जो IUPAC के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, दैट इज फिनाइल मेथनॉल, ठीक है। एक और भी नाम इसका बनता है, दैट इज फिनाइल मेथनॉल। ओ आदित्य सही है भैया, बिल्कुल सही है, कर्स कह सकते हो, फिनाइल मेथनॉल भी होता है, बट जो सबसे कॉमन इसको जानते हैं दैट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। मेरा नाम, मेरा बताने का मतलब ये नहीं था कि आपको नोमेनक्लेचर इसका बताऊं, मेरा बताने का मतलब ये था कि ये नाम याद रखना। बिल्कुल लेखिका बोल सकते हैं, बेंजानोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, चलेगा, डन है। चलते इस चीज को भैया ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ नामकरण है आपके अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है। चलो तो लास्ट पार्ट पे आते हैं, अब इसके बाद जो एक आएगा और भी नोमेनक्लेचर वो बाद में बात करेंगे, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर हैलोजन। आवाज स्लो आ रही है, सही, अच्छी स्लो आ रही है, सच में स्लो आ रही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी स्लो नहीं आएगी, कुछ तो इश्यू हो गया, मैं समझ गया। ओ भाई तू, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो भैया ये चीज ध्यान रखना कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने का तरीका होता है, उसका नाम जो होता है वो हमेशा प्रीफिक्स बन के आता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो भैया ध्यान रखना हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ये हमेशा कैसे ट्रीट होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ठीक है। बोला भैया इसका नाम बता दो क्या होगा,
बोला इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये देखो ये सब्सिट्यूएंट है, बीआर जो है हमेशा सब्सिट्यूएंट है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए नाम क्या बोलोगे? तो भैया तीन कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तीन कार्बन का नाम क्या हो गया? प्रोपेन। और ब्रोमीन लगा हुआ है किसी एक एंड पे, तो नंबरिंग ऐसे कर लो, एक दो तीन, मिनिमम नंबर दे दो, सब्सिट्यूएंट है फिर भी, तो मिनिमम नंबर एक यहां से मिल गया ब्रोमीन को, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका? वन ब्रोमो प्रोपेन, चलेगा? ब्रोमो प्रोपेन भी बोलेगा तो कोई समस्या नहीं है। वन लिखना ना लिखना, वन को इग्नोर मार के चलते, वन को आज तक जिंदगी में कोई भाव नहीं दिए, ठीक है। बट कोई समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो, किसी को ये नाम समझ में नहीं आया तो, कोई ऐसा इसको नाम ये समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसको ये नाम समझ में नहीं आया जल्दी बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, चलो क्या बात है, वेरी गुड। इसका नाम मुझे फटाफट बता दो क्या होगा? अच्छा ब्रोमीन ही लगा दिया, ठीक है यार कोई बात नहीं, ब्रोमीन ही लगा दिया। बोलो भैया इसका नाम क्या होगा जो अभी लिखा है? ठीक है निकेत, सही में सब, हाँ जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैक्सिमम जनता बता चुकी है, तो इसका नाम लिख लेते हैं, दैट इज टू ब्रोमो पेंटेन। अब बी आर लिख लिया मतलब ब्रोमो है, रोना मत, चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। सीएल, सीएल, इसका नाम मुझे फटाफट बताओ क्या होगा जल्दी से? दो सीएल लगाया है, इसका नाम क्या होगा? दो सीएल लगा दिया, इसका नाम क्या होगा? ओके बहुत लोगों ने नाम भेज दिया, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फटाफट ध्यान दो इसको, एक दो तीन चार पांच, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि पहला सब्सिट्यूएंट अपने को एक नंबर पे नहीं मिलेगा, इधर से मिल जाएगा, इधर से पहले मिल जाएगा, इधर से लेट मिलेगा, तो अपन इधर से नंबरिंग कर लेंगे। तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एक नंबर तीन नंबर पे अपने पास क्लोरीन है, तो 1.3 डाई क्लोरो कितना है? 5 है, तो चलेगा? कोई ऐसा इसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा बोलना चाहता है? नहीं, कोई दिक्कत, हाँ जी चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कभी देखो यार, नॉमिनेशन बहुत कम पूछा गया, बहुत कम, ठीक है, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं आता है बोर्ड्स में,
ठीक है, आता है बट बहुत कम आता है। चलो इसका नाम मुझे फटाफट बता दो क्या होगा, इसका नाम मुझे फटाफट बता दो क्या होगा, भविष्य में और भी चर्चा करेंगे बट मुझे फटाफट इसका नाम बताओ क्या होगा। चलो भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत लोगों ने सही नाम बताया, बस नंबरिंग गलत की है, कोई बात नहीं। देखो भैया इसमें नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो एक दो तीन, तीन हो गया ठीक है। चलो भैया नाम लिखते हैं इसका, तो तीन कार्बन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा, सोचना ही नहीं है, प्रोपीन। और जो आपके पास क्लोरीन मिला हो कहाँ नंबर पे, कहाँ पे मिला है, तीन नंबर पे मिला है, तो इसका नाम क्या जाएगा, थ्री क्लोरो। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये थ्री क्यों है, यहाँ से नंबरिंग आपने क्यों नहीं किया, एक दो तीन यहाँ से क्यों नहीं किया। तो भैया एक चीज जो आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है वो ये कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंपली अ प्राइम, अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करते हैं डबल बॉन्ड। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो OH हुआ या एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एसिड हुआ, वो चीज होते हैं, मतलब नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी से सिंपल सा मतलब समझो कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इस हैलोजन से तो ज्यादा ही होती है। तो हैलोजन से चूंकि ज्यादा है इसलिए हमने क्या किया है कि नंबरिंग लेफ्ट से किया ना कि राइट से। अगर सीएल की जगह OH होता तो कहानी बदल जाता, सीएल की जगह OH होता तो कहानी अलग होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि सीएल है एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की। अगर आपको कभी ये सीक्वेंस में समस्या हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप, ये प्रायोरिटी होती है नंबरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मिनिमम नंबर दो, अगर ये नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो, अगर ये नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दो, यही नंबरिंग की प्रायोरिटी की जाती है। उतना दिमाग नहीं मारने की जरूरत है, सिंपल सा कहानी है। कोई समस्या तो मुझे फटाफट बता दो, इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। और इसका एक कॉमन नाम भी है, इसको बड़े प्यार से एक और नाम से जानते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको एक और भी नाम से जानते हो, इसको बोलते हैं एलाइलिक क्लोराइड। एलाइलिक क्यों बोलते हैं, देखो ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक का जो सेट है ना, इस सेट को बोलते हैं एलाइलिक सेट। कौन सा सेट, तो देखो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस पूरे को हम बोलते हैं एलाइलिक सेट। अब इससे कोई भी चीज जुड़ी हुई होगी, देखो इससे कोई भी चीज जुड़ी हुई होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बता सकते हैं। क्लोरीन लगाते हैं तो बोलेंगे एलाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन लगेगा तो एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, यहाँ पे OH लगेगा तो बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, इस तरह से इसका नाम आता है। उतना मेहनत माथा पीछे नहीं करना, बस ध्यान रखो कि सी डबली बॉन्डेड सी सिंगल बॉन्ड सी है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। आगे पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, कोई समस्या है तो मुझे बता दो कि समझ में नहीं आया। ये कॉमन नोमेनक्लेचर, ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना, ये IUPAC नहीं है, कॉमन नेम है, चलेगा, याद कर लो बिल्कुल कि हाँ ऐसा होता है, मतलब सी सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी दैट इज एलाइलिक कार्बन। इस को आईसो कब आता है, मिली पूछ रही है सर आईसो कब आता है, देखो बच्चा आईसो तब आता है, देखो आईसो का वैसे तो बहुत डिटेल सिस्टम है, उस पे नहीं जा रहा मैं, बट अगर आपको कभी ये चीज दे दे, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया, यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या बोलोगे, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो ग्रुप दिख रहा है इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो आईसो, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईसो, इसका नाम देखो ऐसे हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम ऐसे आएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर अगर आप इसको मतलब ऐसे लेके आओगे, मतलब IUPAC में इसका यूज करना चाहते हो तो IUPAC में भी यूज कर सकते हो, तो उस केस में ऐसे बोलोगे क्लोरो आइसोप्रोपेन, दोनों ही नाम इसका वैलिड होता है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलोगे तो कॉमन नेम हो जाएगा, क्लोरो आइसोप्रोपेन बोलोगे तो IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC में एक और भी चीज बोल सकते हो, अगर आईसो यूज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे बोलोगे इसको
टू क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है सिंपल सा, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं आइसो। नॉर्मली आपके पास जो आइसो आएगा वो यही आएगा, तीन कार्बन के लिए आता है, चार पांच के लिए नहीं आता। चार के लिए आ गया तो बता देता हूँ चार के लिए, हालांकि वो आपके बहुत किसी काम का नहीं है, चार के लिए आइसो इसको बोलते हैं। This is ISO, चार के लिए, ये चार का ISO है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं ब्रोमीन लगा दूंगा तो मैं इसको बोलूंगा, यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगा दिया तो मैं बोलूंगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, बहुत काम का नहीं है, ठीक है, that's okay. चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? आइसो ब्यूटाइल ही तो बोला था, और कुछ बोला था क्या? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, चार कार्बन ना, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा इसका नाम क्या होगा, थोड़ा सा चर्चा हो गया तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, कॉमन नेम मतलब, ठीक है नहीं पढ़ाया है मैंने, बट ऐसे पूछ ले रहा हूँ मैं कि इसका नाम क्या लिखोगे अगर ऐसा आ गया तो, कॉमन नेम इसका क्या लिखोगे? यहाँ पे लगा दिया आई, तो इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम इसका? इसका कॉमन नेम क्या होगा? भगवती, वेरी गुड। शाश्वत गलत है, शुभांगी गड़बड़ है, संजना गड़बड़ है, मतलब ठीक है। देखो इससे परेशान नहीं होना, मैंने ऐसे पूछ दिया, तो भावना में बह गया हूँ, मतलब आईसो पूछ दिया तो मैं थोड़ा सोचा कि एक और बता ही देता हूँ। अब सही है, बट वहां ब्यूटाइल लगाओ शुभांगी, वो जरूरी है बच्चा, बाकी ठीक है। शिवानी गड़बड़ है, शुभम, आईयूपीएससी नेम नहीं पूछा है, कॉमन पूछा है, आईयूपीएससी तो बता सकते हो, ये मुझे भरोसा है, कॉमन नेम पूछ रहा हूँ। रितु गड़बड़ है, शुभांगी अब सही है, इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमा, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडीन लगाए ना तो आयोडाइड, तो इसका नाम ऐसा हो जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है छोड़ो, मतलब ऐसे बता दिया, भावना में बह के कोई बात नहीं, ठीक है, इग्नोर दिस, ओके। तो भैया ये सारे आपके पास नोमेनक्लेचर्स हो गए हैं, ठीक है। प्रत्युष बोला कैसे भाई, टर्शियरी इसलिए इस कार्बन को ध्यान दिए, थ्री डिग्री कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और ब्यूटाइल चार कार्बन का एक ही सेट पॉसिबल है जिसमें ये थ्री डिग्री बने, वो ये सेट होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेट, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल। आई लगाया तो ब्रोमाइड, OH लगा था तो बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, काम खत्म। अच्छा आयोडीन लगाया यार, ठीक है यार, मतलब आधे नींद में हूं मैं, चेंज कर लो ना यार, आयोडाइड लिख लो, हो गया, दिल पे ले लेते हो यार, ठीक है, गजब है, हो गया बस, लिख लो यार आयोडाइड, ठीक है, ठीक है, ब्रोमा कैसे लिख दिया, ब्रोमीन कैसे लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये आपके पास कुछ कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर्स हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, इसके बाद अपन इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका नाम मुझे बता दो फटाफट, क्या होगा ये प्यारा सा जो कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, क्या लगा ले, क्लोरीन लगा लेते हैं हम, बोलो इसका नाम क्या होगा जल्दी से, टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल में, एक मिनट तो क्या है, मतलब मेरे को देख लेना पूरा, क्या डिफरेंस होता है? अच्छा एक मिनट शिवानी बताता हूँ बच्चा, इसको लिख लो पहले, चलो ठीक है करो भैया फटाफट।
अरे बेंजाइल क्लोराइड नहीं बोलते मेरे भाई, क्या कर रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसको पकड़ो, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो इसका नाम चुपचाप लिखो, क्लोरो बेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड नहीं बोलते, ध्यान रखना, ठीक है। अब एम लिखा गया, वो एन कर लो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। शाश्वत ऑर्थो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थो एक रेस्पेक्टिव टर्म है। मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखू या यहाँ पे क्लोरीन लिखू, बात बराबर है, ठीक है, जब तक कि कोई और चीज मैंने इसमें नहीं लगाई, इसलिए ऑर्थो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, चलेगा। ऑर्थो तब लगाते हैं बच्चा जब अपने पास ऐसा हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऑर्थो कब लगाते हैं, बट ठीक है, जैसे सिंपल केस, मान लो एक ऐसा दे दिया, तो इसका नाम अगर बोला तो आपको बोलना पड़ेगा समस्या है इसमें। मान लो यहाँ लगा दिया CH3, तब आप क्या बोलोगे, ऑर्थोक्लोरोटोलीन, क्योंकि इस पूरे को क्या बोलते हैं, टोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या नाम दोगे, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। नहीं जा रहा उस पर, बस ठीक है, ध्यान रखना है। एक और नोमेनक्लेचर फाइनल, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसका नाम बता दो, ये प्यारा सा कंपाउंड है, इसका नाम बता दो क्या होगा, CH2, और इसमें क्या लगाया जाए, आयोडीन तो नहीं लगा रहा, बहुत गंदा सा आता है, इसमें F लगा लो, बेचारे इसके साथ ना इंसाफी हो रहा है। फटाफट बता दो इसका नाम क्या होगा, जल्दी से। इसका नाम मुझे फटाफट बता दो क्या होगा, संजना ठीक है, साक्षी ठीक है, आदित्य गड़बड़ है, कौन गया, फ्लोरो मिथाइल बेंजीन, क्या बोलना चाहते थे, फ्लोरो चलो ठीक है। एक तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल फ्लोराइड, सिंपल सा नाम, बोला था भैया ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल फ्लोराइड। ठीक है, चलेगा। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, एक और भी नाम इसके लिए यूज कर सकते हैं, अब क्या समस्या होने लगी, ठीक है, बेंजाइल फ्लोराइड या बेंजाइलिक फ्लोराइड, बात बराबर है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। वैसे करेक्ट नाम जो होता है वो था बेंजाइल फ्लोराइड, ठीक है। एक और भी नाम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने चूंकि बोला है तो मैं उसको बताता जाऊं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फ्लोरोमिथाइल। तो इसके लिए तुम चाह तो ये भी लिख सकते हो फ्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो ये भी नेम करेक्ट होता है, दैट इज फ्लोरो मिथाइल बेंजीन। भाई मेरे ध्यान दे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दे यहाँ पे, इस पूरे ग्रुप के लिए हमने बोला है ना कि बेंजाइलिक यूज करते हैं, इस पूरे ग्रुप के लिए, इस कार्बन को लेते हुए, उसमें फ्लोरीन लगा दो, तो इसलिए नाम क्या रख दिया, बेंजाइल फ्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी के साथ OH लगाता तो हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते थे ना, उसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल फ्लोराइड, चलेगा, ध्यान रखना, ध्यान है, बिल्कुल। ऋतु बताया ना अभी थोड़ी देर पहले बच्चा, कि अल्कोहल रहेगा तो बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अरे बेंजाइलिक या बेंजाइल दोनों बोल ले मेरे भाई, बेंजाइल देखो एक्चुअल में, देखो वहां पे कहानी क्या होती है ना, बेंजाइलिक, देखो बेंजाइलिक क्यों नहीं बोलते, उसका रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे फ्लोराइड आ रहा है ना, तो जब वो ये फ्लोराइड आ रहा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे बेंजाइलिक नहीं बोलते, बेंजाइल बोल के काम चला लेते हैं। बेंजाइलिक बोलोगे तो गलत नहीं है, बट बेंजाइल इज द करेक्ट, ठीक है,
परेशान नहीं है, मतलब बेंजाइल इज करेक्ट, बट बेंजाइल ही बोल दोगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, कोई कहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी चलता है। ठीक है, चलो तो ये कुछ नॉमन क्लेचर है कॉमन कॉमन से। ठीक है, अब जैसे जैसे चैप्टर्स में आते जाएगा वैसे वैसे कुछ जो स्पेशल केसेस है उसके बाद भी करते रहेंगे। शिवानी मेरा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था बच्चा, मैं तो भूल ही गया। बेंजाइल प्रत्यूष बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइलिक नहीं वर्ड यूज करते हैं, बेंजाइल यूज करते हैं। ठीक है, अगर एल्कोहल है तो बेंजाइलिक, अदरवाइज बेंजाइल, ऐसे समझ लो। अगर नॉर्मल है तो बेंजाइल, अगर एल्कोहल है तो उसके लिए बस यूज करते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, ऐसे समझ लो। ठीक है, अच्छा आइसोब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या फर्क है? देखो यार, देखो ध्यान दो यार, आइसो आइसो का मतलब होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जब होता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है, जैसे देखो ध्यान दो, इसका नाम बोलते हैं आइसोप्रोपेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। देखो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा बट ठीक है, बच्चे ने पूछ ली, सॉरी इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, माय बैड, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ध्यान देना। ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। सेकेंड लास्ट पे देखो, ये वाला देखो, सेकेंड लास्ट पे अपने को दिख रहा है ना, ये सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको यहाँ से उड़ा के यहाँ पे कुछ लगा लिया, यहाँ से उसको उड़ा दिया, यहाँ कुछ लगा लिया, तो हम इसका नाम क्या बोल दिया, मान लो यहाँ पे लगा दिया है कुछ भी OH लगा दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तीन कार्बन है तो आइसो, लेकिन तीन कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, अब सेकेंड लास्ट पे एक ब्रांच तो है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि तीन ही कार्बन है और सेकेंड लास्ट पे एक ब्रांच है, तो हम बोल दिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इस वाले केस में देखो समस्या क्या है, इस वाले केस में अगर यहाँ पे आपको लगाना हो, इस जगह पे OH लगा, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, लेकिन अगर यही OH जो है वो आपको यहां ना लग के यहां लग गया, बीच वाले पे लग गया, अब यहां अगर OH लगेगा तो मुझे बताओ कि सेकंड लास्ट पे आपको क्या दिख रहा है, सेकंड लास्ट पे ब्रांच दिख रहा है क्या, एक नहीं दो दिख रहा है। अगर ये बोलोगे कि सर ऐसे चेन मान लो, इसको चेन मानोगे तो बोलोगे कि यहां भी सेकंड लास्ट पे ब्रांच है, यहां भी सेकंड लास्ट पे ब्रांच है, तो इसको फिर कंसिडर नहीं करते आइसो, तो हम इसके लिए सीधे वर्ड यूज करते हैं दैट इज टर्शियरी, चलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, उसी तरीके से देखो, ऐसे अगर मान लो हो गया, ऐसे हो गया कोई, इसका नाम बता सकते हो क्या मेरे को, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, रितु आयुपीएससी नहीं बोला, कॉमन पूछा है, गलत है प्रत्युष, गलत नहीं है, थोड़ा सा उसमें ग्लिच है, थोड़ा सा चेंज करो। आइसो देखो कब यूज करते हैं, जब यहां पे लगा होता OH, सिंपल आइसो तब यूज करते हैं, लेकिन OH बीच में लगा दिया, इस जगह लगा दिया, तब क्या बोलोगे, बस उस जो वर्ड यूज किया ना उस वर्ड को उसी में ऊपर में अंदर घुसा दो, नहीं लेखिका शालू, वेरी गुड, शालू ने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, देखो अब ऐसे जब कर दिया ना, तो ये तो पूरे दिख रहा है कि ये देखो ये पूरा ग्रुप जो है ना ये आइसो ग्रुप है, कौन सा आइसो है, तो भैया कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच का तो आइसो पेंटाइल तो है, लेकिन ये जो कार्बन इस पे OH लगाने है, 2 डिग्री का कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी आइसो पेंटाइल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी आइसो पेंटाइल एल्कोहल, चलेगा, डन है। ठीक है, चलो कोई नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा कोई काम की चीज नहीं है, ऐसे आ गया तो और एग्जांपल हट, और एग्जांपल मतलब ये सब पढ़ा दो हमको, हम ये नहीं पढ़ेंगे, और फिर बोलेंगे मास्टर जी हमको ऐसे पढ़ाते हैं, मास्टर जी ये चीज पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक जादू हो रहा है हमको, लो एक और दे दे रहा हूँ, अब नहीं दे रहा मैं, दिस इज लास्ट। ठीक है, देखो लो उसी में चेंज कर दिया, इसका नाम बताओ क्या होगा,
गुड, क्या हो जाएगा इसका नाम? चलो आप सही है, टर्शियरी, कॉमन नेम बोल रहा, टर्शियरी आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, टर्शियरी आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम चलो मतलब इसके बाद नहीं दूंगा पक्का, दिस इज लास्ट, मतलब मैं छोड़ता हूं तो फिर बोलते हो सर एक और क्वेश्चन दे दो, एक और क्वेश्चन दे दो, इसका नाम क्या होगा इस वाले का? रियल में टर्शियरी लिखते हैं प्रत्यूष, थ्री डिग्री नहीं लिखते, बट थ्री डिग्री का मतलब टर्शियरी होता है, थ्री डिग्री लिख दे तो गलत नहीं है, वो भी चलता है, लिखते पूरा है टर्शियरी, मैंने आलस में लिखा है थ्री डिग्री, देखो आईपी भी लिखा है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, चलो इसका नाम मुझे फटाफट बता दो क्या होगा, इसका नाम, खेल खत्म, उसके बाद अपन आ जाएंगे नॉर्मल पे, इसका नाम क्या होगा? गुड, प्रीति ने बहुत सही बताया है, संजना ने बहुत सही बोला है, रजिया कॉमन नेम पूछ रहा हूं बच्चा, क्या नाम हो जाएगा इसका? देखो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, ठीक है, तो इसके साथ लगा हुआ ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या बोल देंगे? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, नियो का मतलब होता है सेकेंड लास्ट पे दो चेन निकले, दो मिथाइल लगे, वैसे समझ लो एक मिथाइल लगा था तो हम बोलते थे आइसो, दो मिथाइल लगा है सेकंड लास्ट पे बोलते हैं नियो। अबे इसमें प्राइमरी सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है प्रत्यूष, क्योंकि इसमें दो ही तरह के कार्बन है, या तो प्राइमरी है या तो ये तो क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी पे ब्रोमीन कभी लगेगा नहीं, इसलिए अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि प्राइमरी लिखे टर्शियरी लिखे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, ये देखो ये वो कब लिखेगा, मैं नाम ज्यादा नहीं बता रहा, बट देखो इसको ध्यान देना, वो भी यूज कर सकते हो इसमें, वो तब यूज होगा, देखो यहाँ पे उसका एक केस दे देता हूँ मैं, जब तू सोच रहा है बच्चा वो इस केस के लिए यूज कर सकता है, यहाँ पे मान लो सीएल लगा दिया, अब इसका नाम सोच लेना घर पे, बहुत हो गया, इसका नाम मुझे घर पे आराम से सोचना है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा, डिग्री यूज करना पड़ेगा, थ्री डिग्री, ठीक है, शुभम बोला थ्री डिग्री कैसे समझे, चलो मैं डिग्री पे आ रहा हूँ, बट यहाँ तक कोई समस्या आई गेस नहीं होनी चाहिए, ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन करा है इसको भी इग्नोर मारना, ठीक है, चलो ओके, तो अब अपन फटाफट आते हैं मेन पे, दैट इज अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एल्काइल हैलाइड, अभी तक तो बस फर्जी चीजें पढ़ रहे थे, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर एल्काइल हैलाइड, देखो एल्काइल हैलाइड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो एल्काइल हैलाइड की जरूरत क्या है, एल्काइल हैलाइड अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, एल्केन के साथ हैलोजन, जो लास्ट में भी हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया, जैसे क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड का इंपॉर्टेंस क्या है, एल्काइल हैलाइड का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हम हर चीज बना सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक की चीजें हैं वो सब कुछ लगभग लगभग इससे हम बना सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो पहली चीज कि ये सबसे अच्छा बेस मटेरियल होता है हर चीज को सिंथेसिस करने के लिए, चाहे अल्कोहल बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, कीटोन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, वो सारी चीजें एल्काइल हैलाइड से बनाई जा सकती है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे बहुत ज्यादा है, तो देखो कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक जिसका नाम है, ये ध्यान दो, क्लोरा एम्फिनियो, गंदा सा नाम है, क्लोर, देखो इसका नाम पढ़ो, क्लोरा फिनिसिकोल, पता नहीं क्या ही गंदा सा नाम है ये, ठीक है, तो ये जो गंदा सा नाम है, ये गंदा सा नाम भी आप इससे बना सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ठीक है, अपने एनसीईआरटी बोलती है तो इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलते क्या है कि भैया बहुत सारे हॉर्मोन्स जो अपने बॉडी में बनते हैं वहां पे हैलोजन का यूज होता है, बचपन से अपन को पढ़ाया गया कि भैया आयोडीन बहुत जरूरी है, नहीं तो वाइटर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भैया ये सारे कंपाउंड, उसके अलावा अगर तुम सोच के देखोगे तो डेली लाइफ में और भी यूज आता है अपने को, टूथपेस्ट जो आते हैं उसमें बोलते हैं कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट है, तो वहां भी फ्लोरीन का यूज आता है, ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो हेलो इथेन का यूज करते हैं वहां पे इसका यूज आता है, तो बहुत सारे अपने पास डेली लाइफ में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के कंपाउंड है जहां पे आपको ये हेलोजन यूज आते हैं, हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड वाला कंपाउंड यूज आता है,
इसलिए भी भैया इसका इंपॉर्टेंस एक अलग हो जाता है। तो दो चीजें, कुछ नहीं, पहला कि भैया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दूसरा जिसमें ये गंदे गंदे से कंपाउंड बनते हैं, और दूसरा कि इनसे हम ऑर्गेनिक के जितने भी मटेरियल्स हैं वो लगभग लगभग हर चीज हम बना सकते हैं। तो बेस एज अ बेस मटेरियल बहुत ही काम आते हैं। तो ये दो रीजन था जिस वजह से हम इनको पढ़ना सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद फिर तो आएंगे ही आएंगे आगे में, बट इनकी प्रायोरिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो कंपाउंड्स में होती है। चलेगा, चलो। तो ये फर्जी सा चीज है, एनसीईआरटी का हेडिंग वेडिंग है, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा बात बात कर लेंगे इस पे, बस इसको ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें कहां गया। हाँ, क्लोरोक्विनोन, ये देखो ये आपने बहुत नाम सुना होगा। अभी भी जब बात हो रहा था अपने पास इसके 3-4 महीना पहले ट्रम्प साहब का बात हुआ था, तो ट्रम्प साहब ने बोला था कि भैया अपने लिए बहुत काम की दवा है क्लोरोक्विन, ठीक है। तो इस पे बैन भी लगा और फिर से मतलब ट्रीटमेंट के लिए इसको बोला भी गया, हाँ भी किया गया, ना भी किया गया, कोरोना के लिए बिल्कुल। तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन सा दवा है, बहुत कॉमनली यूज आता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है मेनली, एंटीवायरल है ये, तो इसको ध्यान रखना। हो सकता है कभी एग्जाम में गलती से पूछ दे, खास करके नीट वाले, ठीक है। आजकल जो कि इतना डिस्कशन हो गया तो हो सकता है कि पूछ दे, हालांकि ये है नहीं कोविड की दवा, एंटीवायरल है, मलेरिया में यूज किया जाता है, बट ठीक है। अब ये होता कैसा है वो बाद में अपन इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। चलो अपन आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पे। भैया इनके क्लासिफिकेशंस बहुत अलग अलग तरीके से किए गए हैं, ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, कुछ कुछ बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशंस कर लेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो अपना क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है नंबर ऑफ हैलोजेंस। भैया कहीं भी कितने हैलोजेंस लगे हैं उसके बेसिस पे हम इनका क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को ऐसा कंपाउंड दे दिया, ये दे दिया और यहाँ पे एक सीएल लगा दिया, तो हम इसको बोलते हैं ये मोनो हैलो है, मोनो हैलो कंपाउंड है, ठीक है। अगर अपने को ऐसा दे दिया, यहाँ दो हैलोजन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, डाई हैलो है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहां पे लगा दिया तीन, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई हैलो यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा कहानी है कि भैया एक तो क्लासिफिकेशन इनका होता है नंबर ऑफ हैलोजेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा दिया, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं भैया, ये कौन सा ग्रुप है, ट्राई हैलो। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया नंबर ऑफ हैलोजेंस के अकॉर्डिंग, कि जितना हैलोजन लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये मोनो हैलो है, डाई हैलो है या ट्राई हैलो है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, तो भैया दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, किस टाइप का वो बॉन्ड है, ठीक है। अब टाइप का बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मोनो वाले में मोनो लगाते हैं कि डायरेक्ट हेलो, क्या बोला मेरे भाई, नाम लिखने के लिए बोल रहा है या ऐसे बोल रहा है, सिंपल नाम लिखने के लिए बोल रहा है, इसका नाम क्या अभी जस्ट तो बताया, इसलिए मैं नाम नहीं करा रहा है, नाम भी कराऊंगा इसका। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2,3,4-ट्राइक्लोरोपेंटेन। कोई ऐसा इसको नोमेनक्लेचर में समझते हैं तो बोल दो भैया ये तीनों नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा भी है क्या इसको इस नोमेनक्लेचर में समस्या है, बस क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि किस तरह के होते हैं, एक तो एक क्लोरीन वाला हो सकता है, दो क्लोरीन वाला, तीन क्लोरीन वाला, दैट्स ऑल, ठीक है। चार वाला होगा तो टेट्रा बोल सकते हो, ठीक है, और कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है, ओके चलेगा। चलो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, अब देखो ये बॉन्ड्स के बेसिस पे बहुत सारे इसमें क्लासिफिकेशन होते हैं, मैं सिंपल सा दो के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो कौन कौन से, तो यहाँ ध्यान देना, अपन दो जो सबसे काम के हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड और एक जिसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, बस दो के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एल्केन में अगर लगा हुआ है हैलोजन तो एल्काइल हैलाइड, आंख बंद करके सोचो,
एल्केन में लगा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड है, ये सारे ही एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अगर एल्केन में लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ध्यान देना, सी 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 और यहाँ लगा दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये एल्केन है। कौन सा एल्केन है भैया? ब्यूटेन है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अपने को ऐसे दे दिया सी बी आर, तो ये भी क्या एल्केन ही है, मिथेन है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ब्रोमोमिथेन। इसका नाम क्या बोलते हैं, ब्रोमोब्यूटेन। तो सिंपल सा है कि एल्केन के साथ लगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। चलेगा। दूसरा बोलते हैं इसमें दैट इज एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या होता है? देखो एराइल का मतलब कुछ नहीं है, ब्रॉड मीनिंग पे नहीं जाते हैं, शॉर्ट में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन है तो वो एराइल वाले कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल कैटेगरी बोल रहा हूं, नाम नहीं बता रहा उसका, कैटेगरी कौन सा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन है तो उसको बोलते हैं एराइल। सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये एराइल आता कहाँ है, क्यों है, एरोमेटिक से क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं, अपने को बस सिंपल इतना फोकस रखना है कि भैया देखो अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो आप आंख बंद करके इसको बोलोगे कि ये एराइली कैटेगरी का है। मान लो यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन तो बोलोगे ये कौन सा है, एराइल वाला है, एराइल हैलाइड है। नाम जो भी आएगा इसका दैट कैटेगरी कौन सी होगी तो एराइल हैलाइड होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो कि इसी तरीके से ये बेंजीन बना दिया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एराइल ब्रोमाइड हो गया, ये क्या हो गया, एराइल क्लोराइड हो गया। नाम नहीं है, कैटेगरी है, कैटेगरी ध्यान रखना, आंख बंद करके कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब इन दोनों के लिए क्या करते हैं ना, मान लो अपने को दिख रहा है ना कि एल्केन के साथ हैलोजन है, ये एराइल मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन है, तो हम बार बार नहीं यार, अब देखो तीन भी कार्बन हो सकता है, मान लो ऊपर वाले बात करते हैं चार है, ये एक है, तीन चार पांच दस पचास सौ कुछ भी कार्बन हो सकता है, तो हम जो ये एल्काइल हैलाइड है, जो एल्केन वाला हैलाइड है, इसके लिए ना हम एक सिंपल सा एक टर्म यूज कर लेते हैं और उसको कुछ आसान भाषा में ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दो, आर एक्स लिख लेते हैं। R का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक एल्केन चेन और उससे जुड़ा हुआ एक हैलोजन, X का मतलब हो गया हैलोजन। यूजुअली इस हैलोजन का मतलब क्या होता है, तो मैं यूजुअल मीनिंग बता देता हूँ इस हैलोजन का क्या होता है, दैट इज बी आर टू या सी एल टू, बी आर या सी एल, ठीक है, टू अगर हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली बी आर और सी एल के लिए कहीं भी वर्ड यूज करोगे, X यूज करोगे तो इसका मतलब बी आर और सी एल होता है। F कभी आएगा कभी नहीं आएगा, I कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है, जब आएगा नहीं आएगा तो बात करेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट X लिख दिया तो BrCl तो होगा होगा, तो निश्चिंत रहो उसके लिए, ठीक है। ये जो पूरी कहानी है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, तो इसके लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अपन ऐसे लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म समझ लो, इसको ऐसे लिख लिया Ar और यहाँ पे लगा लेगा X, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन है। और ये RX का मतलब क्या हुआ, कोई भी कार्बन चेन है जो एल्केन है उससे जुड़ा हुआ X है तो हम उसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। मुझे इतना बता दो कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया तो फटाफट पूछ लो, और आरएक्स क्या लिखते हैं ये नहीं समझ में आया तो पूछ लो मुझे, इसको सिंपली क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड और दिस इज एराइल हैलाइड। चलेगा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान दो, एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड क्या मतलब क्या हुआ, एल्केन के चेन में, एल्केन का कैसा भी एल्केन का चेन हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, सीधा हो सकता है, घुमा फिरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लो कैसे कुछ बना के दे दिया, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, सिंपल, क्योंकि यहां पे क्या है, एल्केन है, ये दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा चेन क्या है, एल्केन है। चलेगा, डन है, ठीक है। इस पूरे के बदले बार बार देखो यार, बार बार दो कार्बन पांच कार्बन दस कार्बन बीस कार्बन अपने को बार बार क्यों लिखे, पूरे कम मतलब पूरा ही ये जो ग्रुप है एल्केन में लगा हुआ हैलोजन, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करके इस पूरे के बदले हम आर वर्ड यूज कर लेते हैं, आर लिख लेते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, भैया कोई भी एल्केन के साथ हैलोजन लगाए तो भैया प्रेम से बोलो आर एक्स, खेल खत्म, चलेगा, हो गया, ठीक
कोई ऐसा जिसको ये आरएक्स समझ में नहीं आया तो बता दो, क्योंकि भैया ये आरएक्स ऐसा है जो जीवन में आ गया जाएगा नहीं, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, खत्म नहीं होगा ये आरएक्स। तो आरएक्स फील होना बहुत जरूरी है कि आरएक्स का मतलब क्या होता है। कोई भी एल्केन, कैसा भी एल्केन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री व्हाटएवर, कुछ भी हो, अगर ये उसके साथ हेलोजन लगा है तो दैट इज सिंपली एल्काइल हैलाइड, दैट्स ऑल। और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो एराइल हैलाइड, दैट्स ऑल। ठीक है, चलेगा, डन है। चलो, इसके बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन पे नहीं जा रहे हैं, और भी क्लासिफिकेशन है बट उस पर नहीं जा रहा, जो काम का है अपन उतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, जो ज्यादा काम का नहीं है वो अपन उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जैसे विनाइल, एलाइल, एलाइल तो बता भी दिया है। ठीक है, इन पे अपन बहुत ज्यादा जाने वाले नहीं है, ये बहुत ज्यादा अपने काम के नहीं है। ठीक है, चलो, समझा दिया वैसे, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं हो। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है भैया, डिग्री हम कैसे पहचाने, क्या बोल रहे हैं अनिकेत, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो बिल्कुल, बेंजीन रिंग में जुड़ा हैलोजन है तो एराइल कहलाएगा, काम खत्म, एराइल हैलाइड होगा। अब भले बेंजीन में वो जुड़ा हुआ CH3 भी लगाओ, C2H5 भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, बेंजीन रिंग से जुड़ा था ना, दैट इज सिंपल। अच्छा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल बच्चा, हैलोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हैलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, वो कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। हैलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। तो बॉन्ड वाले सिर्फ हैलोजन ही आता है। क्या कहना चाहता है निकित, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे भाई, तू क्या कहना चाहता है, लास्ट में पूछ लेना तू मेरे से, बॉन्ड वाला सिर्फ हैलोजन आता है इसका मतलब क्या है। सीसी बॉन्ड, देखो एल्केन है ना अपने पास, सिंपल सीसी बॉन्ड मतलब क्या हुआ, एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब उसके डेप्थ में अगर जाना चाहते हो तो देखो थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बस एक चीज, दो चीज और भी है, देखो क्या है, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है, रुक जा यार। और अगर आपको ऐसा दे देना, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे बीआर लगा दे तो इसको भी एल्काइल हैलाइड ही बोलते हैं। क्यों, तो इसलिए कि अब देखो मैं इस पे जाना नहीं चाहता था बट किसी को ये कंफ्यूजन था कि सीसी सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, 99% केस में सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, निश्चिंत रहो। लेकिन डबल ट्रिपल अगर मिल गया, और वो डबल ट्रिपल ध्यान देना, डबल ट्रिपल इस हैलोजन वाले कार्बन से 3 स्टेप पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के बाद अगर डबल ट्रिपल मिलता है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ट्रीट करते हैं एज एल्काइल हैलाइड। अगर 3 स्टेप के बाद मिल रहा है, यहां मिल जाएगा तो समस्या है, तो बोलेंगे एलाइल हैलाइड, और अगर यहां मिल गया डबल बॉन्ड तो बोलेंगे विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो समस्या है अपने को, यहां मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज, सॉरी सॉरी उल्टा लगा देगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि इतना डेप्थ में नहीं जा रहा यार, सिंपल सा कहानी है कि अगर आपके पास एल्केन है तो उसके लिए सिंपल समझो, एल्केन भी लगा हुआ हैलोजन इज एल्काइल हैलाइड, कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, छोड़ दो, रहने दो यार, इस कंडीशन पे नहीं जा रहे हैं। जिसने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा आई गेस, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, इस कंडीशन पे नहीं जा रहा हूं। दो, देखो दिस इज ऑल्सो एल्काइल हैलाइड, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये दे दे चलो ये दे दे, मान लो ध्यान देना यहाँ पे, ये दे दे क्लोरीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं अपन एलाइल हैलाइड। ठीक है, और अगर ये दे दे आपको, यहां पे लगा दिया क्लोरीन तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। मतलब sp2 कार्बन पे, देखो ध्यान दो, sp2 कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हैलोजन तो विनाइल,
sp2 कार्बन वाले के बगल वाले sp3 पे जुड़ा हुआ है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो इसके लिए बोलते हैं एलाइल हैलाइड। और अगर आपके पास जिस कार्बन पे जुड़ा है हेलोजन वो sp3 है, उसके बगल वाला भी sp3 है, उसके बगल वाला कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं है, वो सारी कैटेगरी अपने पास किस में आ जाती है, एल्काइल हैलाइड में आ जाती है। नाम भले कुछ भी लिखाएगा फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन का जो टाइप होगा वो डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड पे, इसलिए एल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में उसको सबको रख लेते हैं। ठीक है, चलो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे, बहुत काम की चीज नहीं है, जिसको समझना था उसके लिए बस ठीक है, पूछ दिया तो मैंने बता दिया, दैट्स ऑल, परेशान नहीं होना। sp2 कैसे पता करें ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, चल भग जा, अभी बाद में बात करूंगा इस पर। ठीक है चलो, ओके, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो डिग्री कैसे पता करते हैं, डिग्री का मतलब हुआ हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को चेक करो कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अब ध्यान दो यहाँ पे, एक अपने को ये कंपाउंड दे दिया, थोड़ा सा देखो अभी बाउंसर जाने, देखो अभी थोड़ा सा आगे गया, चिंता परेशान होने लगी, बोलती है सर छोड़ रहे तो ना हो पाएगा, ठीक है इसलिए मैं नहीं जा रहा। ठीक है चलो, ये दे दिया एक सेकेंड केस, ये दे दिया एक थर्ड केस, ये दे दिया। ठीक है अब ध्यान दो, डिग्री हम कैसे पता करते हैं, जिससे हेलोजन, ये हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, मतलब ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, 3 डिग्री का। ये हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने का, ये एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। हेलोजन इससे जुड़ा है, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है कार्बन से, कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। और अगर एक ही कार्बन रहा तब क्या होगा, तो उसको बोलते हैं सिंपल सा, ध्यान रखो यहाँ पे, ये हो गया, तो इसके लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बोलते, क्योंकि डिग्री नाम की चीज नहीं है, तो इसको सिंपल बोलते हैं मिथाइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मिथाइल लिख देते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का मतलब हुआ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री। हेलोजन जिससे जुड़ा है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला फर्स्ट वाला केस, तो हम बोलेंगे इसको 3 डिग्री। मुझे इतना बता दो कि भी ऐसा जिसको डिग्री समझ में नहीं आया तो पूछ लो कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कपड़े में नहीं गया, या मिथाइल एल्काइल हैलाइड समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है? ओ भाई साहब क्या चाहते हो, प्रत्युष लास्ट में बता दूंगा, परेशान नहीं हो, लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है लास्ट में पूछ लेना। चलेगा, चलेगा क्या, तो समझ में क्यों नहीं आया, क्या बोल रहा है भाई, हेलोजन तो एक ही कार्बन से ज्वाइन है ना, बिल्कुल ऋतु बच्चा, हेलोजन एक ही कार्बन से ज्वाइन है, ध्यान दो, लेकिन वो कार्बन कितने कार्बन से ज्वाइन है इंपॉर्टेंट वो है, हेलोजन तो हमेशा एक ही कार्बन से ज्वाइन होगा, ये कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन है इसलिए 3 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से ज्वाइन है इसलिए 2 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से ज्वाइन है इसलिए 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कितने कार्बन से ज्वाइन है इंपॉर्टेंट ये है। चलेगा, बोल लो भाई चलेगा नहीं चलेगा, इसको प्रेम से टर्शियरी भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या हो तो पूछ लो कि समस्या है, समझ में नहीं आया, डन है, चलो गुड। तो फटाफट एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल में मुझे बस बता दो कि ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है जल्दी से बता दो मुझे मैसेज करके, ये एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है सेकंड,
ए कितने डिग्री का है भैया? तो ध्यान दो, एक ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो अपने को दिख रहा है ये कार्बन एक और ये दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कितने डिग्री का हो गया? टू डिग्री, मतलब सेकेंडरी। यहां ध्यान दो, ये जो कार्बन है इसमें देखो, ये जो कार्बन है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का कहला जाएगा? वन डिग्री। कोई ऐसा है जिसको इन दोनों क्वेश्चन में समस्या है तो मुझे बता दो कि डिग्री समझ में नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये डिग्री में समस्या है, वन डिग्री टू डिग्री समझ में नहीं आया? कोई भी ऐसा जिसको वन डिग्री टू डिग्री समझ में नहीं आया तो बता दो, ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। बी अदनान, ध्यान दो यहाँ पे, ये कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ध्यान दो, ये कार्बन अपने लिए जहां हैलोजन जुड़ा है ना जिस कार्बन से, उस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? वन डिग्री हो जाएगा। चलेगा अदनान? बोलो फटाफट, बोल भाई। ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है जो अभी बनाया हुआ? कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है? सी नंबर। कितना डिग्री है भैया? टू डिग्री है। इस एल्काइल हैलाइड कौन सा है? चलेंगे ठीक है। तो कैसे पता ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो भैया देखो, ये कार्बन जो है कितने से जुड़ा है? तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब तो कितने डिग्री का हो गया? डन है, क्लियर है? ठीक है, ओके ठीक है। तो फिलहाल की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे अपन, 10:13 हो गए। ओके, तो आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। बोलो रोशन, क्या समस्या है? जिसके डाउट है वो डाउट वाले रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते, जिसके डाउट है वो रुक जाओ, ठीक है? बोलो लेखिका, विनायक वाला फिर से बता दूं, ठीक है? ऋतु बता दे रहा हूँ बच्चा, बिल्कुल शुभम, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। रोशन बिल्कुल अभी तक क्लियर है? अच्छा, मतलब बोल रहा है कि अभी तक क्लियर है, आएगा पता नहीं है मेरे को, आगे भी क्लियर होगा, परेशान नहीं है। बिल्कुल यार, अपन वो मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल समस्या नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ करके अनम्यूट करने का परमिशन दो। चलो भैया ठीक है, तो ये रहा रिकॉर्डिंग।